आज भलेसा डोडा में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष सोनिया राव और उनके साथ उपाध्यक्ष मंजू चाड़क ने भलेसा में बने वैक्सीनेशन केंद्रों का दौरा किया। आपको बता दें कि सोनिया राव को कोविड वैक्सीनेशन केंद्र जो पूरे जिले में बनाए गए हैं उनका को-इंचार्ज नियुक्त किया गया है। इस मौके पर आम जनता ने भी कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उत्सुकता जताई। जैसा मुझे आज यहाँ पे लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की मैडम जी अच्छी, यहाँ के डॉक्टर अच्छे, और तमाम लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि सब लोग आकर यहाँ पर टीका लगवाएं ताकि ये बीमारी से बच सकें। और यहाँ पर जो डॉक्टर लोगों का सहयोग है वो बहुत अच्छा है, लोगों को भी टीके लगवाने चाहिए। और बार बार मेरी यही अपील रहेगी ये सब लोगों से कि सभी आकर यहाँ पे टीके लगवाएं। जिस सेंटर पे वहाँ पे हमने विजिट करनी है और हमने ये देखना है कि लोग इस पे टीका करवा रहे हैं, जिन लोगों को हो रहा है उसका उनको लाभ है, और लोगों को हमने अवेयर भी करना है इस टीके के लिए। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टीका हानिकारक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब हमारे भारत के अंदर कोविड-19 की महामारी फैली हुई थी तो सबसे बड़ा उन्होंने एक बहुत बड़ा कठोर फैसला लिया था लॉकडाउन का, और लॉकडाउन के अंदर ही लोग तब सोचते थे कि इस कोरोना की जो महामारी फैली है तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ कोई दवाई मिलनी चाहिए। तो बहुत ही कम इसमें समय में प्रधानमंत्री जी ने ये जो टीका जो है तो यहाँ भारत के अंदर लॉन्च हुआ। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि भारत से ही बाहर वाले देश जो हैं तो इस कोविड का जो टीका है तो इसको खरीद रहे हैं, तो हमें तो भारत के अंदर फ्री का मिल रहा है। और लोगों को मेरा यही कहना है कि टीका हर कोई भी जो भी है तो सबको लगाना है। बढ़ते कोरोना